नमस्कार, आज हम बनाएंगे आटे के भटूरे। भटूरे सभी को पसंद आते हैं, हमेशा हम मैदा के भटूरे क्यों बनाएं? आज आप बनाइए आटे के भटूरे। आटे के भटूरे एकदम फूले फूले, नरम मुलायम। तो शुरू करते हैं बनाना। आटे के भटूरे बनाने के लिए हमने ये प्याले में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। तो इसके बीच में हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दही, 1 छोटी चम्मच चीनी और 1/2 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नाप करके 1/4 छोटी चम्मच सोडा लेंगे। और ये है 1/4 कप सूजी। इससे हमारे भटूरे बहुत कुरकुरे बनेंगे और देर तक फूले रहेंगे। तो जो हमने बीच में इस आटे को फर्मेंट करने के लिए चीज़ें डाली हैं, उनको वहीं हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से। चीनी, सोडा, नमक, दही सब अच्छे से घुल जाएं यहाँ। और अब ये चीज़ें सारे आटे में मिला देते हैं। अब हम गुनगुने पानी की सहायता से डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंथेंगे। हमें बिल्कुल उसी तरीके का डो बनाना है जैसा कि हम पराठे के लिए बनाते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखेंगे डो को। भटूरे का डो बनाने के लिए गर्म पानी क्यों लेते हैं? क्योंकि आटे को रेज करने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है। तो सर्दी के मौसम में तो आप गर्म पानी लेंगे ही, गर्मी के मौसम में भी हल्का गुनगुना पानी ही लीजिए डो बनाने के लिए। ये हमने आटा गूंथ लिया और अभी तक हमने इस आटे में तेल बिल्कुल नहीं डाला था। अब हम थोड़ा थोड़ा हाथ पर तेल लेकर आटे को स्मूथ बनाएंगे। तो ये हमने लिया है 1 टेबल स्पून तेल और आटे को गूंथेंगे। एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बनाना है। ये आटे को पूरा हमने 6-7 मिनट तक हाथ पर तेल लगाकर अच्छे से गूंथ लिया है। इतना आटा लगाने में 3/4 कप पानी लगा है इसमें। और ये हमने लिया था 1 टेबल स्पून तेल, इसमें से 1/2 टेबल स्पून तेल यूज किया है। आटे में आप बिल्कुल भी ज़्यादा तेल मत डालिए। डो को ढककर 2.5 घंटे के लिए रख दीजिए, ये फूलकर तैयार हो जाएगा। गर्मी का मौसम है, आप इसे कहीं भी रख दीजिए, लेकिन सर्दी का मौसम है तब आप इसे गर्म जगह पर रखें। इसे आप टावल से या मोटे कपड़े से लपेट कर रखेंगे तो ये जल्दी से फूलकर तैयार होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 2.5 घंटे के बाद हम अपना आटा देख रहे हैं, आटा अच्छे तरीके से फूल गया है। थोड़ा सा सूखा आटा लेकर हम इसे पंच कर लेंगे। ये देखिए आटा कितना अच्छा फूल कर तैयार हुआ है। तो हम इसे थोड़ा सा मल लेंगे। ये आटा एकदम स्मूथ हो गया, तो लोई बना लेंगे पहले। भटूरे आप थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े अपनी पसंद से बना सकते हैं। एक आटे का टुकड़ा उठा लेंगे और इसे गोल कर लेंगे। इसको हम सूखे आटे में लपेट लेंगे और भटूरा बेलेंगे। हल्के हाथ से बेलेंगे और किनारों से बेलेंगे। बीच में मोटा, किनारे पर पतला नहीं होना चाहिए। और इसकी जो मोटाई है वो जैसा हम पराठा बेलते हैं उसी तरीके का मोटा बेलकर तैयार करेंगे। ना ज़्यादा मोटा है ये और ना ज़्यादा पतला है। थोड़ा सा हाथ से अगर आटा इसके ऊपर हो तो आप हाथ से ऐसे आटा झड़ा दीजिए। भटूरे तलने के लिए हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। इसे चेक कर लेते हैं और हम देख रहे हैं ये जल्दी से फूल कर आ गया और सिक भी गया है। तो तेल हमारा अच्छा गरम है। भटूरे तलने के लिए हमें अच्छा गरम तेल चाहिए और फ्लेम भी तेज चाहिए। और जैसे ही भटूरा ऊपर आने लगेगा हम कलछी से इसको नीचे की ओर ले जाएंगे, हल्का सा दबा देंगे, पलट देंगे और दोनों ओर अच्छा सा ब्राउन होने तक तल लेंगे। देखिए भटूरा अच्छे से फूल गया। जब एक बार ये फूल जाए तो फ्लेम धीमी कर सकते हैं।
ये भटूरा निकाल लेते हैं हम। और दूसरा भटूरा भी इसी तरीके से बेलेंगे और सारे भटूरे इसी तरीके से बेलेंगे और इसी तरीके से तलेंगे। भटूरे सर्व करने के लिए तैयार हैं। इन्हें आप छोले, चटनी, अचार के साथ सर्व कर दीजिए। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि भटूरे कितने अच्छे बने हैं। इतने डोसे 11 से 12 भटूरे बनकर तैयार हो जाएंगे। 3-4 सदस्यों को परोसे जा सकते हैं। फूले फूले भटूरे बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 3 बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, जब आप डो बनाएंगे तो उसे मल मल कर एकदम सॉफ्ट बना लें। नंबर 2, जब आप भटूरा बेलेंगे तो उसे एक जैसा बेलें। और नंबर 3 सबसे ख़ास बात है, तेल अच्छा गर्म हो और फ्लेम भी तेज हो। भटूरा तलने के लिए डालें, थोड़ा सा कलछी से दबाएं और फुला दें। बहुत ही अच्छे फूले फूले भटूरे बनकर तैयार होंगे। तो आप भटूरे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।